निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश डॉक्टर संजय कुमार निषाद का शपथ ग्रहण के बाद जनपद गोरखपुर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर संजय निषाद के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद मछुआ समाज में नया जोश और उम्मीद जग गया है। निषाद पार्टी का आरक्षण रथ यात्रा प्रदेश के 65 जिले से होते हुए बुधवार को गोरखपुर पहुंचा, जहां डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार हमारी आरक्षण की मांग पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही हम लखनऊ में मंच को साझा कर योगी जी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में इसकी घोषणा करेंगे। साथ ही डॉक्टर निषाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के आधिकारिक गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन बीजेपी के ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाला गठबंधन बनेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वर चंद्र जायसवाल तथा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, चुनाव लड़ा जाएगा अगर तो शांति का पैगाम देकर क्या करोगे तुम? प्रचार प्रसार करना है कि नहीं करना है? 2022 में सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? सही हमारी नहीं कर रहे हैं। ये आवाज शेरों की नहीं है, ये आवाज तो जैसी लगती है बकरियों की है। एक बार बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। साथियों, किताबों का कितना गहरा नाता है, तब दुनिया के सारे साहित्यकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जो विधान का सदस्य माननीय ईश्वर चंद्र जायसवाल जी चांदी का
समाजवाद पार्टी सुप्रीमो पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए साथियों, जोरदार तालियों के साथियों। पूरे देश दुनिया के लोग गोरखपुर की सर्जरी का कार्यक्रम, पूरे देश दुनिया के लोग ये दो रहे हमारे बीच में इस वक्त चलते सुनाएंगे, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत होना चाहिए। माननीय साहब तो चांदी तलवार और तलवार भेज दे रहे हैं और साथ ही साथ राजेंद्र गुप्ता जी सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करने वाले साहब का स्वागत करें, मानवर साहब को माला पहना करके स्वागत कर मंच को खाली करते जाए, स्वागत करते जाए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए, जोरदार तालियों के साथ ले लीजिएगा। खाना अपने बच्चों को बना कर देते थे, तुम्हारे बच्चों को भूख को तड़पाते थे। डॉक्टर संजय पहुंच गए उस विधानसभा में, इंजीनियर प्रवीण निषाद दिल्ली की विधानसभा में चले गए, आपके वोट से एक विधायक विधानसभा में गया था, ये तीन तीन जगहों पर तुम्हारे बेटे पहुंचे हुए हैं। अब तुम्हारा हिस्सा, ये कुर्सी बहुत कीमती है, ये उमड़ता जनसाल आप आपके गोद में डॉक्टर संजय ने एक आवाज दिया था कि धरती जो जहां बैठे हो कभी सिंघानो निषाद की थी, उनके पिताजी राजा ऋषि राजाराम निषाद थे, यही जमीन है जहां बैठे हो कि ऋषि राजाराम अपने दोनों बेटों को दान किया था, एक सिंघानो निषाद राजा था, ये रामगढ़ राम रामग्राम के नाम से था, यहां से राजपाट चलता था, तब इसे कोलियों की राजधानी कही जाती थी, फिर यही से तुम्हारा राजपाट चलेगा, फिर तुम कहो जाओगे कि तुम राजा के बेटे हो, फिर कानून बनाकर सभी लोगों का हिस्सा देते हो, ये कहा जाएगा आज के बाद। यहां से वो चीज लिखी जाती थी, ये इतिहास है धरती नहीं है, यहां से जो है खगोल विद्या थी, यहां से ज्योतिष शास्त्र लिखा जाता था, सिंघानो निषाद के दूसरे बेटे ज्योतिष शास्त्र हुआ करते थे, उन्होंने गणित यहां बताया था, जिस गणित के हिसाब से तुम्हारा हिस्सा लूटा जाता है, जिस गणित के हिसाब से देश दुनिया चलती है, वो यहां से हुआ जाता था, उसका नाम था अंजन, अंजन निषाद थे, अंजन कैलेंडर चलता था, तब ये विक्रमाव कैलेंडर नहीं था, दुनिया में सबसे पहला कैलेंडर इसी जमीन पर लिखा गया था, इस जमीन को डॉक्टर साहब नमन करते आपका साथ मिलेगा, तो ये सिंघानो निषाद की धरती होगी, ये पार्क उनके नाम हो जाएगा और अंजन निषाद का नाम रोशन हो जाएगा। ये बातचीत भारतीय जनता पार्टी से चल रही है कि जो जो इतिहास विरोधियों ने मिटाया है उसे भारतीय जनता पार्टी से मिलकर जिस तरीके से निषाद राज के किए को भारतीय जनता पार्टी बना रही है, मत्स्य मंत्रालय अलग कर दिया है, 20,000 करोड़ रुपया दे दिया है, तुम्हारे बेटे को निःशुल्क बीमा कर दिया है, आरक्षण भी लिख के रखा हुआ है टेबल पर, आजकल में दस्तखत होने वाला है, यह तुम्हें संदेशा देके देने के लिए आया हूं। बोलो भाई, आरक्षण आधा चाहिए कि पूरा चाहिए? बोलो भाई, लिखा तो 70 साल से है, कागज में लिखा मिल गया कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देंगे, क्या दिया कि मौत दिया? क्या दिया? हाथ उठा के बोलो, क्या दिया? क्या दिया? क्या हम कुछ मांगने गए थे रेल पर? बोलो, क्या मुलायम सब मंत्री मांगने गए थे? क्या खेत बाड़ी मांगने गए थे? रुपया मांगने गए थे? बोलो भाई, रेल पर हमारी रेल केंद्र सरकार की होती है, रेल आंदोलन किया था अपने घर भर के साथ, बीबी के अपने बेटों को साथ बैठा था, अपनी बहनों बेटियों के साथ बैठा था, ये माताएं नौजवान साथी ये हमारे आंदोलनकारी साथ में बैठे थे, 1,000 थे कि लाखों लोग थे? हाथ उठाकर बोलो, लाखों लोगों के सामने गोली किसने चलाई? हमने की सरकार। हाथ उठाकर बोलो, किसने चलाई? किसने चलाई सरकार? किसकी थी? भाजपा की कि सपा की? सपा की। तुम्हारे बेटे को किसने मरवाया? सपा ने। किसने मरवाया? जमुना निषाद जब मंत्री थे तो किसकी सरकार थी? किसकी थी? हाथी की। मतलब तुम्हारे नेता को हाथी खा गई। फूलन देवी की हत्या किसके समय हुई? किसके समय हुई? क्या उसकी सीबीआई जांच हुई? क्या फूलन देवी की सीबीआई जांच हुई? क्या जमुना निषाद की फूलन जांच हुई? क्या जमुना निषाद की हत्या की सीबीआई जांच हुई? यही जगह था, हम उस मंच पर 2014 में थे, 2014 में अखिलेश जी बोले थे कि हमें सरकार दे दो,
हम आपकी सीबीआई जांच कराते हैं। क्या यमुना निषाद के हत्यारों की सीबीआई जांच हुई? बोलो भाई, यमुना निषाद जी ने एक बात बोला था, हे मेरे साथियों मेरे गिरते हुए झंडे को थाम लेना। डॉक्टर संजय की टीम ने यमुना निषाद के गिरते हुए झंडे को थाम लिया और लखनऊ में गाड़ने की तैयारी चली। मेरा साथ देना है कि नहीं देना है? ये टोपी तुम्हारी है कि नहीं है? क्या हाथी की है? क्या साइकिल की है? क्या ये भाजपा की है? क्या किसकी है? निषाद राज की। किसकी? मुंह से बोलो, किसकी है? निषाद राज की टोपी है। तो जब राम की कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तो राम राज आया था, दुनिया सुखी थी। 2022 के कैबिनेट में निषाद पार्टी पहुंच रही है, निषाद राज आएगा, फिर से राम राज आएगा, कोई दुखी नहीं रहेगा। कितने लोग डॉक्टर संजय का साथ पूरा देने के लिए तैयार हो रहे हैं? बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो। अरे यार, ये तो लगता कमजोर हो गए, सुबह का खाना पच गया क्या? आधा हिस्सा ले रहा कि पूरा? बोलो भाई, उसमें हर बिरादरी का हिस्सा है कि नहीं है? तेली बड़ा लोहार घर का भी हिस्सा है कि नहीं है? गांव के किसान नौजवान का भी हिस्सा है कि नहीं है? तो लागू कराना है कि नहीं कराना? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य 67 गोरखपुर। और बहुत अच्छा कार्यक्रम है इनका। इनका सोच जो है डॉक्टर संजय जी का, कि गरीबों के लिए मदद के लिए आज आवाज़ उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो सहयोग मिल रहा है, यह आने वाले समय में 2022 यह भारतीय जनता पार्टी की समर्थन में निषाद राज जो पार्टी जा रही हैं, डॉक्टर संजय जी का जीतने का सबसे बड़ी मौका है। और मौका इनका मिला है, हमारे चौरी चौरा विधानसभा जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है जो विधायक है वो नकम्मा निकल गई। लेकिन आज हमारे चौरी चौरा विधानसभा से हमारे डॉक्टर माननीय संजय निषाद जी जो हैं, यदि हमारे ईश्वर चंद जायसवाल जी को टिकट दे देते हैं, तो एक यहाँ विधायक जो है बन करके भारी मतों से जीत करके चौरी चौरा का विधायक बन करके आएंगे हमारे सामने यहाँ चौरी चौरा में, डॉक्टर संजय निषाद जी के हाथों की मजबूती से। आज सभी लोग मिलके जो एनडीए ने भारतीय जनता पार्टी ने जो इनको सम्मान दिया है, उसी को सब लोग मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज जो है भाजपा एक अंग बनी है निषाद पार्टी। तो हम लोग सब लोग मिलके इनके स्वागत किए। 2022 के चुनाव में जी 2022 के चुनाव में 2022 चुनाव हम लोग जीतेंगे। ये निषाद पार्टी जैसे भगवान राम को निषाद राज ने पार कराया था, वैसे जो भाजपा को जो है निषाद राज इस बार पार कराएंगे। ये हमारे समाज का अधिकार यात्रा आरक्षण का मतलब होता है कि उनके आरक्षित किया जाए जिन्होंने देश में योगदान दिया हो, देश को आज़ाद कराया था, इस देश में संविधान बनवाया था, और बेईमानों ने इन्हें जेल में बंद कराया अंग्रेजों के नाते। 5 साल 16 दिन गुलाम थे, मैं उन्हें छूटे बाद में। आज देश में इनका कुछ नहीं था, आज इनके भाड़े के वकील जाते थे दिल्ली और लखनऊ में, अब कुछ नहीं हो पाता था। जितना दिन का भाड़ा देते थे उतना दिन वो वकील बोलते थे। आज ये अखाड़े का पहलवान 2017 में चुनाव लड़े, एक विधायक हो गए। 2018 में अखाड़े का पहलवान दिल्ली भेजा सदन में, और आज खुद अपने गुरु को इन्होंने खुद विधान परिषद में भेजकर अपनी वकालत करने के लिए, जहाँ से इनका भाग्य लिखा जाता वहाँ आज मैं शपथ लेकर आया हूँ। और शपथ लेकर आया हूँ इन्हें शपथ दिलाने के लिए, जब तक हिस्सा नहीं मिल जा तब तक अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहो। और इस देश में जितने बेईमान हैं, जो इस देश के लोगों की रोजी रोटी छीना है, घर कपड़ा छीना है, 70 साल से उनके नौकरी छीने हैं, उन बेईमानों को हटाओ और अपना वोट इकट्ठा करके 2022 में एनडीए की सरकार बनाओ। टिकट नहीं, यहाँ जीत की जरूरत है। यहाँ एनडीए चुनाव लड़ रही है, सब की निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपना दल भी है, ये एनडीए का है। हम लोगों ने तय कर रखा कि सीट भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, इन्हें टिकट भी मिलेगा, इन्हें अपना भोजन भरी सिंबल की थाली भी मिलेगी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ 2022 में सरकार बनाएंगे। आरक्षण इनका लिख के रखा जल्दी, 70 साल से इन्होंने 70 गुना हमें उलझा रखा था, उसको सुलझा लिया गया है। इनके रोजी रोटी छीना था बसपा ने 2007 में। जो जो नेता जो जो
हमारे नेता जिस नेता का फोटो लगाए, बसपा में गए हमारे लोगों ने बहन जी का फोटो लगाया, वो नेता ही धरती से गायब हो गए। हमारे लोग गए समाजवादी पार्टी में, उनके माननीय मुलायम सिंह का फोटो लगाए, नेता ही गायब हो गए। तो हमारे लोगों ने कसम खाया है कि अब हमारे नेता दूसरे का फोटो नहीं लगाएंगे, हमारे नेता का फोटो दूसरे लोग लगाएंगे, हम अपने नेता का सुरक्षा करें। 2019 में भी चली थी और कैसी चली थी आपको मालूम है, हाथी लाठी 786 इकट्ठा हुआ था, मुसलमान यादव सब इकट्ठे हुए थे, लेकिन जब जय निषाद राज का नारा और जय श्री राम का नारा इकट्ठा हुआ, मैं कहता हूँ वो अपनी नाव बताएं, पहले वो अपनी डूबती हुई नाव को बचाएं, क्यों कूद रहे हैं लोग, पहले उस नाव के छेदे को बंद करें प्रियंका जी, तब बात करें। निषादों का हक अधिकार, नदी छीन लिया तालघाट नदी, उनके वकील, उनके जो दो का नाम मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मैंने मुकदमा लगा रखा है नई दिल्ली सर के थाने में। अपने उस मंत्रियों को पार्टी से बाहर करें कि 18% आबादी का हिस्सा आरक्षण खाने के लिए फाइल गायब करें। कोई वादा नहीं, उनकी सरकार 5 राज्यों में है और 5 राज्यों में पहले वो करके दिखा दे, तब तो वादा है सरकार वहाँ, मैं वादा लाली पाप है ना, वहाँ सरकार करके दिखा दे, दिखा दे तो वादा सीधे दिखाई देगा। मैं कहता हूँ जाति नहीं है, यहाँ हर जाति के साथ भेदभाव नहीं है, निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, हर जाति के लोग यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, सभी लोग पार्टी में हैं और सभी लोगों ने मिलकर इसको देखो आज के दिन में ये जिनका जो ये स्वागत समारोह है, इनका उद्गार है, हृदय से जो आज के दिन में उमड़ा जन सैलाब है, ये बताता 2022 में निषाद किंग मेकर रहेगा और मछुआरों की भूमिका है। और पूर्वांचल में क्या 18% आबादी है, इन्होंने जिस तरीके से सबको, कभी राम को गंगा पार उतारा था और मुगलों और अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था, उसके साथ उजड़े थे कानून बनाकर, अब कानून बनाकर इनको बसाया जाएगा और 3 साल यही जगह है। ये कसम खाए थे अपने बेटे को विधान परिषदा में भेजेंगे, 2017 चुनाव हार गया, लेकिन देखो 5 साल पहले भी 6 महीना बाकी है, विधान परिषद में भेजकर इन्हें धन्यवाद और बधाई देने आया हूँ कि 6 साल के लिए भेज दिया, अभी 3 चुनाव होगा, 6 एक उच्च सदन में भेज दिया, ये हमारे पदाधिकारियों का कमाल है, उनको धन्यवाद देता हूँ, अपने पदाधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने एक मजलूमों की जो गरीबों की आवाज़ थी उसे उन्होंने प्लेटफार्म दिया और एक ऐसे बेटे को उन्होंने उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर मनोनीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।